हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरत। आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, आज है 22 अगस्त। आज है अपना गणपति फेस्टिवल। गणपति फेस्टिवल के लिए मेरे तरफ से, मेरा फैमिली का तरफ से सबको गणपति की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग आ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक लेकर नहीं आए शेयर मार्केट में, क्योंकि कोई भी स्टॉक के ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं जो शेयर बाज़ार में काम करते हैं और करना चाहते हैं, वो लोग को गणपति का जो मैं दिखाऊंगा ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स के ऊपर क्या है, वो अगर आप शेयर मार्केट में यूटिलाइज करोगे फ्रेंड, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, वही शुभकामना के साथ मैं आप लोग को, मेरा जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उन लोग को मैं यही बताना चाहूँगा। मैं गणपति के पास यही प्रार्थना करता हूँ, मेरा हर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और मेरा जो टीम में जुड़े हुए हैं मेंबर्स, वो लोग का एक पूरा कदम कदम में फूल खेले दिए भगवान गणपति, और उनका एवरी ड्रीम को सक्सेस करके दे दिए गणपति जी। ये मेरा गणपति के पास प्रार्थना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूँ आप लोग के सामने, और मैं पेश करूँगा, शायद आप लोग का माइंड भी वैस हो सकता है। चलिए मैं एक छोटा सा स्टोरी बोलूँगा, उस स्टोरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, स्टोरी यही है, एक बार नारद जी जा रहे थे गणपति को पास, भगवान गणपति के पास जा रहे थे। रास्ता में जाते जाते रास्ता में एक समुद्र आता है, सी आता है। सी का जो रहता है ना बालू का ऊपर एक पक्षी ने क्या कर रहा था ना, एक पैर इधर करके ऐसा खड़ा रहता था, 10-5 मिनट के बाद ये दूसरा पैर में खड़ा रहता था ऐसा करके वो। और ये मौसम था बहुत, ये समर सीजन था, उसके वजह से पक्षी को बहुत तकलीफ होता था। तो उसी टाइम नारद जी ने क्या बोले, वो गए किसके पास ना, वो पक्षी के पास गए और बोलने लगे, हे पक्षी, आपका मैं जा रहा हूँ गणपति के पास जा रहा हूँ, अगर आपका कुछ बोलना है, आपका कुछ चाहत है तो बता दीजिए, मैं भगवान गणपति को बोल के आपका मनोकामना पूर्ण करके आ सकता हूँ। तो पक्षी ने बहुत आतुर होके बोला, हे प्रभु, हे नारद जी, आप भगवान गणेश जी को बोलिए जे मेरे लिए ये समुद्र का किनार में कुछ ट्री वगैरह मीन्स जो झाड़ वगैरह लगा दीजिए, तो मैं ये गर्मी का मौसम में थोड़ा राहत ले सकूं, यही मेरा कामना है, प्लीज़ जाके गणपति जी को बोलिए। तो नारद जी ने चल गए गणपति के पास जो गए थे, उनका जो डिस्कशन था वो डिस्कशन किए, करने के साथ साथ और पक्षी का की बात भी किए गणपति के सामने। तो गणपति के पास जैसे ये पक्षी का बात किए, गणपति ने थोड़ा सा हंस लिए। गणेश जी हंस के बोले जे हे नारद, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, और उसका जो किस्मत में ऐसा ही दिन देखने को मिलेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हाँ, एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन उसको बताइएगा, शायद उसको अच्छा हो सके कुछ। तो जैसे नारद ने बोले, प्रभु आप बता दीजिए क्या है सोल्यूशन क्या है। तो नारद जी को गणपति जी बताइए जे पक्षी को बोलो, जैसे दोपहर का टाइम होता है तो वो क्या करे ना, कुछ समय एक पैर में खड़ा रहे, और वो पैर जब तक गर्म नहीं होता है तब तक दूसरा पैर नहीं उठाना है उसको। जो जैसे ये पैर गर्म हो जाता है तो ये पैर को ऊपर कर दे और दूसरा पैर को नीचे रखे, ऐसा करके गर्मी का मौसम का जो दोपहर का टाइम को वो ये करने मतलब वो काट ला ले, जैसे कि जैसे थोड़ा सा दोपहर कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये बात सुनकर नारद जी ने बोले, प्रभु ये वो तो यही कर रहा है ना, नहीं उनको बोलो वही करना है, बाकी कुछ उनका ये इस पर नहीं है। तो गणपति जी जैसे ये बोले, नारद जी ने क्या किए, बोले ठीक है भगवान, आपने बोल रहे तो मैं ये संदेश दे दूंगा वो पक्षी को पास। तो उधर से उनका जब डिस्कशन कंप्लीट होता है तो वो आगे कौन,
ये नारद जी ने आगे आते आते वही समुद्र आया, समुद्र के पास वो पक्षी भी उधर ही खड़ा था। तो जैसे देखा वो पक्षी ने नारद जी को, दौड़ के आया, बोले नारद जी को बोला जे हे नारद जी, मेरा बात भगवान गणेश जी को बोले क्या? तो वो नारद जी ने बोले यस यस मैंने बोला आपका बात, बट गणपति ने बोले जैसे जो गणेश जी ने क्या बोले ना, आप एक पैर जब तक गर्म नहीं होता है तब तक एक पैर में खड़ा रहिए, और जब तक गर्म हो जाता तो दूसरा पैर में खड़ा रहिए, जो पैर को अपने नीचे रखे थे उसको ऊपर कर दीजिए, ऐसा करके आपको गर्मी का मौसम में दोपहर का टाइम में आपको यही करना है। तो बोले ठीक है, अगर गणपति जी का यही इच्छा है तो मैं कर रहा हूँ, और क्या है, ठीक है। तो ऐसा बोल के नारद जी ने चल पड़े। जैसे नारद जी ने जैसे चल पड़े, कुछ टाइम के बाद नारद जी ने कुछ सोचने लगे, जैसे ये एरिया से छोड़ दिए, पक्षी के पास छोड़ के थोड़ा चला गए। बाद में वो सोचे जे मैंने तो इनको यही बोल के आया, वो कंटिन्यू तो वही कर रहा था और मैंने वही बोल के आया, फिर भी उनका पास, पक्षी के पास कुछ रिएक्शन क्यों नहीं आया? कुछ तो उल्टा सुलटा बोलना चाहिए था, कुछ और कुछ बोलना चाहिए था कि कुछ तो उनको पास, नहीं तो उनका जो सोल्यूशन का तो कुछ मिला नहीं करके, तो कुछ तो बोलना चाहिए था पक्षी को, पक्षी कुछ भी क्यों नहीं बोला? चलो देखते क्या है। तो जैसे जैसे जाके देखे तो पक्षी ने क्या किया ना, जब भी पक्षी के पास रिटर्न आए, देखे तो पक्षी एक झाड़ भरा हुआ है, झाड़ के ऊपर आराम से बैठ के ठंडी हवा के अंदर बैठा है। तो नारद जी को बहुत ही क्या लगा, आश्चर्य हो गए। अरे वो बोले तो अभी तो भगवान गणेश जी ने मेरे बोले थे जो ऐसा कुछ नहीं है उसके भाग्य में, अभी इतना सारा कैसे फल फूस में झाड़ भर दिए और पक्षी आराम से ये बैठा है। तो उनको रहा नहीं गया, वो फिर रिटर्न गए गणपति के पास। तो गणपति को देख के गणेश जी के पास जैसे गए, गणेश जी बोले आओ नारद, आओ क्या हो गया, फिर आप आ गए तुरंत ना, प्रभु मेरे को ये बताइए, मैं आपके पास जो संदेश लेके आया था आपने मेरे को उसको डिलाई कर दिया, मीन्स आप बोले थे नहीं होगा, तो बट अभी मैंने जाके देखा तो फिर कैसे ऐसे हो सका ना। हे गणेश, मैंने जो बोला पक्षी ने वही कर रहा था, और मैंने जो बोल, आपने जो उसको संदेश दिया पक्षी ने भी कंटिन्यू किया और उसका रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि वो सोच रहा है मैं जो बोला है वही ही फाइनल है। तो मेरे को उसका देखकर मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरा नहीं, उसका मनस्कामना पूर्ण तो करना ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसका मनस्कामना पूर्ण किया। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो अपना मार्केट में, शेयर मार्केट में जो रूल रहता है, रूल एंड रेगुलेशन अगर आप पालन कर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा फ्रेंड्स। हाँ, ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपका लॉस थोड़ा हो सकता है, जैसे कि आप लोग SL, मैं जब SL प्रोवाइड करता हूँ ना, SL काइंड कुछ टाइम से हिट भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, SL को, कोई कोई मेरा जो व्यूअर्स है, SL को अगर मैंने दिया, अगर 5 रुपया का SL दिया तो वो लोग क्या करते, 3 रुपया लेते। कभी कभी 5 रुपया का जब भी SL हिट होता है तो वो लोग बोलते हम बच गया, 3 रुपया तो रखा है। बाद में जब भी 3 रुपया SL हिट होता है तो कितना बड़ा लॉस होता है आपको मालूम होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा स्टोरी, मैं अभी आगे चल के बताता हूँ आपको गणपति जी का ऊपर अपना शेयर मार्केट का क्या रिएक्शन। एक तो चलिए फ्रेंड्स, ये गणपति जी के हेड है, तो उनका जो हेड है, हेड से हमको क्या समझते शेयर मार्केट के लिए, हेड का मीनिंग क्या है ना, थिंक बिग। गणपति जी जो हेड है, इसके बारे में हमको शेयर मार्केट में क्या सोचना चाहिए ना, थिंक बिग, बड़ा सोचना चाहिए तभी मार्केट में हमको काम करना है। छोटा सोच के हमको नहीं निकलना है, हमको लॉस होगा तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे आप मालूम है सुशांत सिंह राजपूत का जो हो रहा था, जो डिप्रेशन में आया, बट वो डिप्रेशन अलग टाइप का था, बट हम लोग का जो डिप्रेशन वो अलग टाइप का है। बट यही बोलना चाहता हूँ, थिंक बिग, बड़ा सोचिए। उसके बाद सेकेंड, लार्ज ईयर, तो इनका गणपति का जो लार्ज ईयर, ये क्या हमको इंडिकेशन देता है मार्केट के लिए ना, लिसन मोर, बहुत सुनो, मोर सुनो, मतलब क्या सुनने का ना, न्यूज़ वगैरह सुनने का, कोई आपका जो फ्रेंड सर्कल में जो न्यूज़ भेजते हैं कि कुछ भेजते हैं, उसको सुनना है आपको, ऐसा नहीं ये अरे क्या बोलता है, ये क्या बोल सकता है। तो देखिए आप फ्रेंड्स, आप लोग मेरा जो
टेलीग्राम चैनल में कि देख आपका, मैं जो यूट्यूब सॉरी मैं जो व्हाट्सअप चैनल में है ना, जो कोई मैसेज भेजते ना मैं उसको 100% पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं जी मैं मैसेज आया मैं डिलीट मार देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ उसको, मैं सोचता हूँ। ऐसे सोचना भी चाहिए और लर्निंग करना चाहिए, मार्केट का ऊपर लर्निंग करना चाहिए। तो यही है गणपति जी बोलते हैं। उसके बाद स्मॉल आई, उनका जो आई है ना, उनका जो आई है बहुत ही छोटा है। तो ये छोटा से हमको क्या सीख मिलता है मार्केट के लिए ना, कॉन्सनटेंस। हमको ये सब ये नज़र में रखना है, मार्केट को कॉन्सनटेंस करना है, मार्केट को ऐसा ध्यान पूर्वक देखना है, काम करना है तो ध्यान पूर्वक काम करना है। ये सब गणपति जी का आई बोलता है। उसके बाद स्मॉल माउथ, उनका जो माउथ है ना बहुत ही छोटा है। तो स्मॉल माउथ का क्या इंडिकेशन ना, टॉक्स लेस। हमको जब मार्केट में काम करना पड़ता है तो अभी हम लोग क्या करना चाहिए ना, बहुत ही कम बोलिए। क्योंकि आप देख सकते हो मैसेज के ऊपर मैसेज जो आता है ना मेरा पास, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता उनको मैसेज देने के लिए। तो आपको बहुत डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना, मार्केट आवर में डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना है, जो कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, बिग थिंकना है, बहुत सोचना है, न्यूज़ देखते रहना है और आपको बहुत ही कम बोलना है, मार्केट का ऊपर जज करना है। उसके बाद उनका वान जो एक जो दांत रहता है, जो वान जो नर्सरी वान सुन जो अपना जो उनका क्या बोलते हैं हम लोग टक वान टंग, जो उनका जो ये सुन रहता है वो क्या इंडिकेट करता है ना, वो इंडिकेट करता है रिटर्न गुड थ्रो अवे बैड। मीन्स आप जो भी कोई है आपका सर्कल में है कि न्यूजेस न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, कि कोई फ्रेंड्स है, कि व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वो लोग जो बोलते हैं उसको तुमने गुड जो जो अच्छा चीज़ है उसको ले लो, कोई बुराई नहीं है, और जो बुरा चीज़ है उसको फेंक डालो। ओके, वो आपको लेना है और जो ख़राब चीज़ है उसको फेंक देने का, अपने पास रखने का नहीं। तभी तो आप सीख सकते हो मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसके बाद उनका जो हाथ का ऊपर जो ओम का जो निशान है ना फ्रेंड्स, वो क्या बोलता है ना, ओम का जो निशाना है वो क्या बोलते हैं ना, हाई इफिशियंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। तो ये क्या बोलते हैं ना, उनका जो जो आशीर्वाद देते हाई इफिशियंसी, मार्केट में इफिशियंसी हाई रखने का और एडेप्टेबिलिटी भी रखने का है, तभी आप मार्केट में अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद उनका पर जो बिग क्या बोलते हैं उसको, जो लार्ज स्टोमक, उनका पास जो बड़ा पेट है ना, पेट क्या इंडिकेट करता है ना, पेट इंडिकेट करता है ना पीसफुल डाइजेस्ट ऑल गुड एंड बैड इन लाइफ। तो जो पीसफुल डाइजेस्ट जो भी चीज़ आता है वहाँ उसको लेना चाहिए, पीसफुल डाइजेस्ट करना चाहिए। मार्केट में हम लोग के पास जो भी शेयर आता है, अगर कोई बैड शेयर हमारा कुछ आ गया, मीन्स कोई अपना काम कुछ ख़राब हो गया, तो हम लोग उसमें इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सब कुछ बंद बंद करते, लॉस हो गया, क्या करूँ, हम पागल जैसे हो जाते। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको भी हम लोग को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी मार्केट में आपको लॉस भी होगा, ये लॉस को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, गणपति जी जैसे बोलते हैं। उसके बाद उनका हाथ में जो मोदक रहता है, ओके, ये जो मोदक रहता है गणपति जी के हाथ में, वो मोदक का क्या इंडिकेट करता है ना, रिवार्ड ऑफ साधना। आपका जो मार्केट में जो रिवार्ड मिलता है ये है आपका अचीवमेंट, उसको आप लेकर पीस होके खुशी होके रहना है। आपको अगर आपका टारगेट अगर 100 रुपया था, अगर आपको 80 रुपया मिल रहा है तो आप खुशी होके लेना चाहिए, ना कि 100 रुपया का टारगेट देके 120 का भी आप एक्सपेक्ट करने का। ये मार्केट में नहीं देता है किसी को भी और आपको भी नहीं मिलेगा। तो रिवार्ड जो है वही रिवार्ड आपको लेना है, रिवार्ड से थोड़ा सा कम करके आपको रिवार्ड लेके चला जाना है मार्केट से सक्सेस होके। और गणपति जी का जो उनके पास जो प्रसाद रहता है, प्रसाद क्या बोलता है ना, प्रसाद बोलता है द होल वर्ल्ड इज एट योर फीट एंड योर फॉर योर आस्किंग। तो ये जो प्रसाद है ना, जो मार्केट में जो आपको जो प्रॉफिट मिलता है ना, वो प्रॉफिट को आप लेते जाओ, अगर प्रॉफिट नहीं लोगे तो आप मर जाओगे फ्रेंड्स। तो इसलिए बोल रहा हूँ
प्रॉफिट जो मिल रहा है उसको लेके बैठो, ना कि आप प्रॉफिट देख के ग्रीन मिल रहा है तो ग्रीन को खाली देखते रहने का, और जब जब बुक करोगे तो आ जाएगा वो रेड में। तो ऐसे रेड में प्रॉफिट बुक मत करना, जो ग्रीन मिलता है उसको लेना सीखो। छोटा छोटा प्रॉफिट होगा तो चलेगा, उसको लेकर चलिए। और आप कमी उसको क्या कीजिए ना, जो लॉस को मिनिमाइज करना सीखिए। उसके बाद गणपति जी के पास और एक चीज़ जो कि बहुत ही कीमती चीज़ रहता है, वो है माउस। देखिए फ्रेंड, ये माउस, माउस का इंडिकेटर क्या है ना, माउस में आप सोच सकते हैं गणपति जी के बैठ के चल सकते हैं क्या, गणपति जी इसका ऊपर घूम सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो आपको मालूम होगा कार्तिकेय और गणपति जी का जो एक बार उनका बीच में जो चल रहा था मीन्स कंपटीशन, कौन विश्व परिक्रमा जल्दी कर सकता है। फ्रेंड वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं छोटा से मैं फट से आपको कंप्लीट कर देता हूँ। तो कार्तिकेय के पास जो था पीकक था, वो फट से पीकक का ऊपर बैठ के पूरा ब्रह्मांड घूम के आ सकते। बट गणपति जी का ऊपर कौन हो, गणपति जी का वाहन कौन है ना, मूसिक मीन्स माउस। माउस का ऊपर बैठ के वो क्या विश्व परिक्रमा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए उनका पास, मैं क्या बोला था आपको ना, बिग हेड, उनका पास बुद्धि बहुत है। इसका वजह से वो क्या किए ना, गणपति जी ने क्या किए थे आपको ये भी मालूम है 100%, ऐसा नहीं मालूम नहीं रहेगा कि ये क्या किए। विश्व कौन है ना, श्री उनका पापा, पापा मीन्स उन महादेव हर हर भोलेनाथ, वो है पूरा ब्रह्मांड। तो वो क्या सोचे, मैं ब्रह्मांड को क्यों घूमूं, मेरा पापा का चारों तरफ घूम गया, मेरा पापा के चारों तरफ अगर मैं घूम गया तो मेरा ब्रह्मांड हो गया, तो मैं क्यों जाऊँ इतना बड़ा ब्रह्मांड घूमने के लिए। इसीलिए वो मूसिका का क्या माउस का ऊपर बैठ के वो करके आए थे, ब्रह्मांड घूम कर आए थे। तो आपको ये माउस क्या इंडिकेट करता है ना, हम लोग के माउस के ऊपर हम लोग क्या करके क्या ना, हमको जो छोटा अगर हमको कुछ मिलता है प्रॉफिट, तो छोटा प्रॉफिट को हमको लेकर सीखना है और उसको लेकर चलना है। अगर नहीं चले तो हम लोग बड़ी लॉस के लिए प्रिपेयर हो जाना है, हमारा पूरा का पूरा कैपिटल जीरो भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा स्टोरी, आप लोग को शायद आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो गणपति पापा मोरिया करके मैसेज आपका जो कमेंट सेशन में प्लीज़ लिखिएगा, तभी मैं मानूंगा जी आप लोग मेरा वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व किया और सोचा समझा और उसको यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, और मैं बता देता हूँ आप लोग के लिए, मैं अभी डेली बेसिस में वीडियो पोस्ट करूँगा, क्योंकि सम प्रॉब्लम था इसका वजह से मैंने नहीं कर पा रहा था। आज मैंने और दो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, एक भी येस बैंक के ऊपर जो कि बहुत विस्फोट खबर है, और तो CEO जो प्रशांत कुमार ने क्या इनका ऊपर एक बड़ा न्यूज है, वो न्यूज आपके सामने पेश करूँगा। साथ साथ हम लोग येस बैंक का लॉन्ग टर्म का क्या टारगेट होगा वो भी लेकर बात करेंगे। उसके साथ साथ और एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि इंट्राडे के लिए फ्री टिप्स, अगर फ्री कॉल आपको चाहिए इक्विटी ऑप्शन एंड फ्यूचर के लिए, उसके लिए आपको सपोर्ट ग्रुप में कैसा काम करना है, कैसा है क्या है, वो भी हम लोग एक्यूरेसी के साथ बात करेंगे और एक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। साथ साथ और दो वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ जो कि मैं टेलीग्राम में बता दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो अभी वीडियो पोस्ट ख़त्म करने से पहले एक बार मैं बोलना चाहूँगा, गणपति जी के पास मेरा फिर सत सत नमन है। हे गणनाथ, हे गणराय, सबका जिंदगी में खुशियाँ भर दे, और सबसे बड़ी चीज़ अपना इंडिया में और वर्ल्ड में कोरोना वायरस का सबसे बड़ी जो दिक्कत चालू है ना भगवान, उसका मेडिसिन सबसे पहले एंटीडोज लेकर आ जाओ, और आपका पूजा ख़त्म होते होते एंटीडोज जैसे आप लोग को मिलना चाहिए, जैसे ये मंथ एंड तक आप लोग को एंटीडोज मिल जाना, ये हम लोग का, मेरा और मेरा सब्सक्राइबर, मेरा व्यूअर्स, मेरा ऑल फ्रेंड्स का आप लोग के पास विनम्र प्रार्थना है, प्रभु हम लोग का बात सुन लिया कीजिए। चलिए ये वीडियो इधर ही मैं बाइंड अप करता हूँ। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय गणपति।